हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी कुछ इस तरह से हैंडमेड नेम प्लेट्स बनाना चाहते हैं, या फिर इस तरह से कोई वॉल डेकोर पीस, या फिर कुछ इस तरह का बॉटल आर्ट? इन सभी डेकोर पीस को बनाने के लिए मैंने होममेड क्ले यूज़ किया है। इस होममेड क्ले को हम कैसे बनाते हैं, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसी के लिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इसका कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो क्ले परफेक्ट नहीं बनेगी। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इनमें से कोई एक नेम प्लेट का ट्यूटोरियल मैं आने वाली वीडियोज़ में लेके आऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होममेड क्ले बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, ये आप कोई सी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हमें चाहिए फेविकोल SH। यहाँ पर हमें फेविकोल MR यूज़ नहीं करना है, फेविकोल SH ही यूज़ करना है। SH हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ नेक्स्ट हमें चाहिए विनेगर। विनेगर आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। विनेगर भी आप सेम कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस क्ले को हम 2 to 3 months तक स्टोर करके रखते हैं, तो इसीलिए हम विनेगर यूज़ करते हैं। विनेगर प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है, तो इसकी वजह से फंगस नहीं लगती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ग्लिसरीन, और ये है वैसलीन। वैसलीन भी आपको इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाला ही यूज़ करना है। क्ले अच्छे से सॉफ्ट बने इसीलिए हम वैसलीन और ग्लिसरीन को यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ मेज़रमेंट कप। इसे आपको 100 ml का लेना है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि इसे आपको ग्राम में नहीं लेना है, इसे आपको ml में लेना है। नेक्स्ट हमें चाहिए इस तरह का स्मॉल मेज़रमेंट कप। ये आपको सिंपली किसी भी मेडिसिन की बोतल के ऊपर मिल जाएगा। इससे हम विनेगर और ग्लिसरीन को मेज़र करेंगे, और वैसलीन को लेने के लिए हमें ये स्पून चाहिए। एंड कुक करने के लिए हमें चाहिए पैन या कढ़ाई, और मिक्स करने के लिए हमें चाहिए कोई वुडन स्पैचुला, या आप सिलिकॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, स्लैब को ग्रीस करने के लिए हमें चाहिए कोई ट्रांसपेरेंट ऑयल। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल। और जब क्ले रेडी हो जाएगा तो हमें चाहिए एक एयरटाइट कंटेनर और कुछ इस तरह से जिपलॉक बैग। जिपलॉक बैग में कुछ इस तरह की स्मॉल साइज़ के बैग भी आप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि बहुत बार कलर्ड क्ले के स्मॉल स्मॉल पोर्शंस बच जाते हैं, तो उन्हें स्टोर करने के लिए इस तरह के बैग की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है ऑयल कलर। इसे हम यूज़ करेंगे क्ले के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्रिलिक कलर में थोड़ा मुझे लगता है कि पिगमेंट उसका काफ़ी कम होता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसे मिक्स करना होता है, और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो वो काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं। तो बेटर यही है कि आप भी इस तरह के ऑयल कलर ही यूज़ करें। ये कलर्स आपको ईजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्ले को कुक करने के लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह का नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई, एंड स्टर करने के लिए हमें चाहिए इस तरह का वुडन स्पैचुला। आप चाहे तो यहाँ पर सिलिकॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। पैन या कढ़ाई सेलेक्ट करते समय आप ये ध्यान रखिए कि एक तो वो फ्लैट सरफेस का होना चाहिए, और दूसरा ऐसा यूज़ करें जो आप रेगुलर कुकिंग में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि क्ले को बनाने के लिए हम यहाँ पर फेविकोल SH का यूज़ कर रहे हैं। फेविकोल SH एक तरह का केमिकल है, तो बेटर यही है कि जिसमें हम कुक करते हैं वो वाला पैन यूज़ ना करें। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी है तो आप मास्क पहन करके ही क्ले बनाएं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेंगे कॉर्नफ्लोर, और उसे हमें 100 ml में ही लेना है, यहाँ पर हमें ग्राम में नहीं लेना है। इसे आपको इस तरह से स्पून की हेल्प से फिल करना है। जब ये एक बार पूरा फिल हो जाता है तो सिंपली इस तरह से टैप टैप कर दें। अगर उसके बाद में भी स्पेस रहता है तो थोड़ा सा और फिल कर दें, बट बहुत ज़्यादा स्पून से प्रेस करके फिल ना करें। नाउ वी विल ऐड फेविकोल SH, और इसे भी आपको 100 ml में ही लेना है। इस तरह से आपको 100 ml लेना है। एक बार टैप टैप करके देख ले, अगर और स्पेस है तो थोड़ा सा और फिल कर ले।
और इसे भी पैन में इस तरह से अच्छे से पोर कर दें। इसमें थोड़ा सा भी बचा हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आप स्पून यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली फिंगर से भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। नाउ वी विल ऐड 5 ml विनेगर, इसे आपको 5 ml ही लेना है। और अभी हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन, इसे भी आपको 5 ml में ही लेना है। अगर आपके पास इस तरह की कैप नहीं है तो सिंपली 2 स्पून आप डाल सकते हैं। नाउ हम ऐड करेंगे 1/2 स्पून वैसलीन। नाउ हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स आपको इतना अच्छे से करना है कि इनमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्स रहे तो आपका क्ले अच्छा नहीं बनेगा। क्ले बनाने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इसे आप बहुत अच्छे से करें। और यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो मिक्सिंग वाला प्रोसेस है ये हमें गैस पर रखे बिना ही करना है। कभी भी गैस पर रख कर के आप मिक्स करना स्टार्ट ना करें। पहले आपको अच्छे से नीचे मिक्सिंग करनी है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। जब आप सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद में ही आपको इसे गैस पर रखना है। एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी लम्स नहीं है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी आप इसे स्टोव पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है और इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं गैस पर। बट गैस ऑन नहीं करना है। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि जब हम क्ले कुक कर लेंगे तो उसके इमिडिएटली बाद में हमें इसे स्लैब पर ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसीलिए फर्स्ट हम स्लैब को अच्छे से ग्रीस करेंगे और उसके बाद में हम क्ले को कुक करेंगे। स्लैब को ग्रीस करने के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप इसे भी ट्रांसपेरेंट ही लें। और कुछ इस तरह से स्लैब को अच्छे से ग्रीस करना है। नाउ गैस स्टार्ट करेंगे और उसकी फ्लेम कुछ इस तरह से होनी चाहिए। हमें इसे हाइपर कुक नहीं करना है, लो टू मीडियम के बीच में ही इसे कुक करना है। अभी हमने इसे फ्लेम पर रख दिया है। नाउ इस टाइम से लेके आपको 6 मिनट तक कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है। बिल्कुल भी आपको बीच में रुकना नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर टाइम सेट कर लें, क्योंकि आपको क्ले को सिर्फ 6 मिनट तक ही कुक करना है। ना तो इसे ज़्यादा कुक करना है और ना ही इसे कम कुक करना है। अगर हम ज़्यादा कुक कर देंगे तो हो सकता है कि ये जो क्ले है वो काफ़ी हार्ड हो जाए, और अगर हम इसे कम कुक करते हैं तो हमारा जो ये क्ले है वो काफ़ी स्टिकी रहेगा। तो हम जैसा शेप बनाना चाहेंगे फर्स्ट तो वो बनेगा नहीं। इन केस बन भी जाएगा तो 24 आवर्स या 1 डे के बाद में भी वो ड्राई नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए हमें बिल्कुल परफेक्ट कुक करना है। 3 मिनट्स के आसपास आपका क्ले कुछ इस तरह से होगा, बट आपको कंटिन्यूसली फिर भी स्टर करना है। यहाँ पर आप चाहे तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अकेले से स्टर करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्ले एक साथ मत बनाना। अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ बनाएंगे और अगर आप अकेले हैं स्टर करने के लिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइव मिनट्स के बाद में जब आप इस तरह से स्क्रैच करके देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि जो क्ले है वो पैन से छूटने लगती है। डैट मीन्स अब हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए और कुक करना है और उसके बाद में गैस को बंद कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए हम और कुक कर रहे हैं, तो इस बीच आप चाहे तो स्क्रैच करके क्ले को निकाल सकते हैं, बट ये बिल्कुल साफ़ हो ऐसा नहीं होगा। 6 मिनट्स के अंदर अंदर जितना आप स्क्रैच कर पाते हैं और क्ले को निकाल पाते हैं उतना आप निकाल लें, और फिर इस तरह से इकट्ठा करके आप इसे बाहर निकाल लें। पैन से क्ले को छुड़वाने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो ये मेन क्ले है वो ठंडा हो जाएगा और फिर आप उसे न तो अच्छे से नीट कर पाएंगे ना ही उसे अच्छे से मिक्स कर पाएंगे, और उसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि हम उसे उसी कंडीशन में छोड़ दें और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे लेकर के उसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करें और स्लैब के ऊपर नीड करें। इस समय हो सकता है कि आपको ये डो काफ़ी गर्म लगे, बट करना तो पड़ेगा। ये जब तक गर्म रहेगा तब तक ही आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली आप इसे इस तरह से बार बार को मिक्स करें, नीड करें, जितना हो सके इसे सॉफ्ट बनाने की कोशिश करें। ये क्ले बनाना थोड़ा मुश्किल तो है, बट जब ये एक बार अच्छे से बन जाती है तो इससे हम काफ़ी बारीक बारीक से डिज़ाइंस भी बना सकते हैं।
वीडियो को देखकर अगर आप ये होममेड के लिए ट्राई करते हैं तो प्लीज़ फिर से इस वीडियो पर आइएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये होममेड के लिए बना पाएँ या नहीं बना पाएँ। और अगर आप ये अच्छे से बना पाए तो अगर इस क्ले को यूज़ करके आपने कोई आर्टिफैक्ट क्रिएट किया है तो प्लीज़ उसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाली जो मेरी वीडियोस होगी उनमें मोस्टली मैं इसी क्ले को यूज़ करके कोई ना कोई नया आर्टिफैक्ट क्रिएट करूँगी। अच्छे से नीट करने के बाद इस तरह से क्ले का बॉल बनाना है और उसे फर्स्ट इस तरह से किसी पॉली बैग में या किसी भी इस तरह के प्लास्टिक के बैग में आपको इस तरह से रैप करना है। नीट करते करते वैसे क्ले ठंडा हो जाता है, बट फिर भी पैक करते समय आप ये ध्यान रखिए कि आपका क्ले बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर हो। तो इस तरह से पहले हमने क्ले को पॉलीथीन से कवर किया, फिर उसे हमने जिपलॉक बैग में डाला और उसके बाद में हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर के फ्रिज में रखेंगे और इसे हम 6 आवर्स के लिए फ्रिज में ही रहने देंगे। उसके बाद में हम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्ले को 6 आवर्स हो गए हैं और अब हम इससे क्ले वर्क कर सकते हैं। बट जब भी आप ये वर्क स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल लें। आपको जितना क्ले का पोर्शन यूज़ करना है उतना निकाल के बाकी के जो एक्स्ट्रा क्ले है उसे फिर से पैक करके आप साइड में रख लें। अभी हम क्ले में कलर मिक्स करेंगे तो उसके लिए आप थोड़ा सा पोर्शन क्ले का ले लें और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। तो उससे क्या होगा ना कि जो क्ले है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। अभी ये क्ले काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसमें कलर मिक्स कर सकते हैं। क्ले में कलर मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ऑयल कलर्स। इन कलर्स को अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्ले के ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल कलर लेना है, बहुत कम क्वान्टिटी ही हमें लेनी, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हमें इसे नहीं लेना है। तो इस तरह से हमें एक बार थोड़ा सा कलर ही लेना है। जब कलर आप मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में आपको अगर लगता है कि कलर काफ़ी कम है तो उस केस में आप थोड़ा सा और कलर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि एक साथ अगर आप ज़्यादा कलर लेंगे तो एक तो वो मिक्स करने में नहीं आएगा, दूसरा बहुत ज़्यादा अगर आप कलर डालेंगे तो जब वो आपका आर्टवर्क ड्राई होगा तो जो कलर आपने अभी देखा है उससे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। कलर मिक्स करते समय आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए कि जो शेड आपको अभी कलर मिक्स करते समय दिख रहा है उसका एक शेड आपको थोड़ा सा डार्क ड्राई होने के बाद दिखेगा। इसीलिए आपको कम क्वांटिटी में कलर मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ड्राई होने के बाद में वो कलर बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्ले की हेल्प से मैंने एक बिल्कुल छोटी सी लीफ बनाई है और वो कितनी परफेक्ट बनी है। तो इसीलिए डिटेलिंग वर्क के लिए ये क्ले बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह के छोटे छोटे बैग्स में आप इस तरह से कलर मिक्स करके सेपरेटली इन क्ले को स्टोर कर सकते हैं। क्ले में कलर आप उतना ही मिक्स करें जितनी आपको नीड है। 5 to 7 days के बाद में ये कलर्स थोड़े से ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो फ्रिज में ही क्यों ना रखे हो, तो उस वजह से आपका जो क्ले होगा वो वेस्ट जाएगा। इसीलिए जितना आपको नीड है उतने ही क्ले में आप कलर मिक्स करें। आप यहाँ पर कलर का शेड चेंज करने के लिए दो कलर को एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लाइक डार्क ग्रीन और येलो कलर मिक्स करके आप लाइट ग्रीन बना सकते हैं। इस तरह से कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इस क्ले से आप जो कुछ भी बनाते हैं वो ड्राई होने के बाद में 5% श्रिंक हो जाता है, बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होता है बट थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डिज़ाइन बनाएं। सो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा है, थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।